दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेली की मोबाइल एप्लीकेशन में लेज़र कैसे क्रिएट करा जा सकता है। दोस्तों, इसके पहले आपने कभी ऐसी वीडियो कभी देखी ही नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी दो वीडियो नहीं देखी, एक लेज़र यानी कि टेली की मोबाइल एप्लीकेशन में, मोबाइल में टेली की एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड की जा सकती है और उसमें कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल की टेली की मोबाइल एप्लीकेशन में लेज़र कैसे क्रिएट करा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो एजुकेशन पर्पस के आपको सिखाने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बीच में से ना देखें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सही समझ यानी कि आपको सही समझ सके और आप सीख सके। दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। कंपनी को ओपन टैली में जब मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे तो इसके बाद आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी क्रिएट करने के बाद जब आप सिलेक्ट कंपनी करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो आपको दिखने लगेगा। दोस्तों, लेज़र क्रिएट करते वक्त लेज़र हमें क्रिएट करना है तो मास्टर्स, सबसे पहले आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, मास्टर्स, वाउचर्स और रिपोर्ट्स। मास्टर्स इसलिए होते हैं कि किसी भी लेज़र आपको क्रिएट करना है तो वो मास्टर्स में होता है। किसी भी वाउचर आपको क्रिएट करना है यानी किसी भी एंट्री आपको करनी है तो आप वाउचर्स में क्रिएट कर सकते हैं और एंट्री करी हुई की हुई एंट्री को देखने के लिए हम रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लेज़र कैसे क्रिएट करा जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर मास्टर्स पर क्रिएट करते हैं, मास्टर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया और हम यहाँ पर अकाउंट मास्टर दिख रहा होगा, उस पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, नीचे ऐड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर ऐड पर क्लिक कर सकते हो। मैं पहले से यहां पर बना चुका हूं तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये हमारे सामने आ जाता है। ऐड पर आप क्लिक करोगे तब भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लेज़र दिख रहा होगा आपको, लेज़र जिस चीज़ का आप लेज़र बनाना चाहते हो उस चीज़ का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप मतलब यहाँ पर मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि आप सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेब्टर्स, ये दो होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी हम समझ लो कि हम किसी बिजनेस करते हैं उसमें हम किसी के पास से एक तो माल खरीदते हैं और एक को बेचते हैं, तो हम जिसके पास से माल खरीदते हैं उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स करते हैं, मतलब जो हमारा बायर है यानी जिसके पास से हम बाय करते हैं मतलब खरीदते हैं उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं, और जिसको हम माल बेचते हैं मतलब सेल्स करते हैं उसे हम सन्ड्री डेब्टर्स करते हैं, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस लेज़र में एक्स वाई जेड ये हमारे इसके पास से हम समझो कि एक मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि एक्स वाई जेड जो हमारी पार्टी है उसके पास से हम माल परचेस करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पर ये आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर हम सेव कर देते हैं तो ये हमारी लेज़र अपडेट सक्सेसफुली मतलब लेज़र क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, इसके नीचे मैंने एक और लेज़र बनाया हुआ है सन्ड्री डेब्टर्स का, ये हमारे आप अगर कोई नया लेज़र बनाना चाहते हो तो ऐड पर क्लिक कर सकते हो, और ये लेज़र मैं लिख लेता हूँ एबीसी, और अंडर ग्रुप में मैं सन्ड्री डेब्टर्स लिख लेता हूँ। ये हमारा, इसको हम सेल्स करते हैं मतलब बेचते हैं,
तो हम इसे सेंड्री डेप्टर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेल्स यानी ये सेलर है, हम इसे माल सेल्स करते हैं तो सेंड्री डेप्टर्स में आएगा, अंडर ग्रुप इसका सेंड्री डेप्टर्स आएगा और यहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं। तीसरा एक और है जो हमारा एक्सपेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है। यह हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हर किसी को होता ही है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ये मैंने, अगर आपका कोई दूसरा एक्सपेंस हो तो आप इसे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की जगह आप कोई दूसरा एक्सपेंस भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हो। अंडर ग्रुप यह हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस मतलब हमारे ये खर्चा है, तो हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ग्रुप में हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका। और दूसरा एक और लेज़र है सैलरी, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो हम यहाँ पर सैलरी का लेज़र मतलब से लेज़र में सैलरी का नाम लिखते हुए अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारी इनकम है, वन टाइप ऑफ इनकम, तो हम यहाँ पर अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम आपको दिख रहा होगा ये एक्स वाई जेड एबीसी और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस और सैलरी, ये इनडायरेक्ट इनकम, ये चार लेज़र हमने आज बनाए हुए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेज़र कैसे क्रिएट करा जा सकता है टैली की मोबाइल एप्लीकेशन में। अगर आपने पहले वाली मेरी दो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आने वाले समय में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाउचर्स मतलब एंट्री कैसे की जा सकती है और रिपोर्ट्स कैसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर तो बनता ही है दोस्तों, लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों दुआओं में याद रखना।